और 15 मिनट के टाइम फ्रेम आपको डेली 20,000 से प्लस इनकम करके देगा, डेली पर डे। अब कैसे देगा आइए हम लोग पूरी डिटेल्स में देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चार्ट पे जाना है। ओके, चार्ट पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेट कर लेना, हमने सेट कर लिया। और सेट करने के बाद इसी को आपको ड्रॉ करना। इससे पहले हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथी, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सेंसेक्स वगैरह कोई भी हो, जिसमें अभी आज कोई भी इंडेक्स हो जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप लाइन ड्रॉइंग करके और अगर काम करते हैं तो मैं दावे के साथ लिख करके देता हूँ कि डेली आपका 20,000 से प्लस का प्रॉफिट होगा। डेली अगर आपको 20,000 से प्लस का प्रॉफिट चाहिए तो ही इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, और देखने के बाद इस पर आपको काम करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें हम आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चल जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको ट्रेड लेना है। जब भी आपको ट्रेड लेना वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम आपको डेली 20,000 से प्लस इनकम करके देगा, डेली पर डे। अब कैसे देगा आइए हम लोग पूरी डिटेल्स में देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चार्ट पे जाना है। ओके, चार्ट पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेट कर लेना, हमने सेट कर लिया। और सेट करने के बाद इसी को आपको ड्रॉ करना। इससे पहले हमें क्या देखना है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, या मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है, इसे हमें देखना है। इसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उससे पहले, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना होगा। तो चलिए कर लेते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। चलिए, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा ये मेरा लाइन ड्रॉइंग है पहले से ही। अब देखिएगा यहाँ पे लाइन मेरा यहाँ पे ड्रॉइंग था कि जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा ऊपर नहीं जाएगा, और ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है और ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास है। अब इसे हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या दिख रहा है आपको मार्केट में, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक कैंडल बनाया है एकदम टॉप पे, एकदम ऊपर जा करके कैंडल बनाया, जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार कैंडल पहले दिन बनाया। ठीक है, अब देखिएगा इससे आपको ट्रेंड कैसे डायरेक्शन पता चलेगा। पहले दिन का ये कैंडल है, ये 49,952 के आसपास, लगभग 50,000 के आसपास तक, ये 978 50,000 के आसपास तक गया। एंड उस दिन क्लोजिंग देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल के रूप में ये क्लोजिंग देता है। नेक्स्ट डे देखिए उसकी हाई को ना ब्रेक करके, इसके हाई को ना ब्रेक करके इसके लो को मार्केट ब्रेक करता है, समझना, इसके लो को मार्केट ब्रेक करता है, समझना। तो लो को ब्रेक किया, उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ, ये मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट किया, लेकिन ये लास्ट होते होते हाई को ना ब्रेक करके नीचे फिर से पुनः ये लो को ब्रेक किया। एक बार हाई को रिटेस्ट टेस्ट भी यहाँ पे किए हुआ है, लेकिन मार्केट जब क्लोजिंग हुआ तो फिर से देख रहे हैं हम क्या किया, इसने अपने इस लो को, पुराने वाले लो को ब्रेक करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यू चीज़ें हमें दिख रहा है कि पहले जिस दिन मार्केट ने जो शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, उस शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे एक्टिव होते देखने को मिल रहा है, समझना, शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिव होते देखने को मिल रहा है। शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जबकि हाई ब्रेक नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, तो ये कन्फर्म है कि मार्केट पहले दिन लो ब्रेक किया, दूसरे दिन लो ब्रेक किया, और तीसरे दिन भी मार्केट ने लो ब्रेक किया। तो यहाँ पे हम सर्टिफाइड हो गए कि मार्केट लगातार 2-3 दिन से गिरना स्टार्ट हो गया, यानी कि लो ब्रेक होना स्टार्ट हो चुका है जबकि हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। तो मार्केट ये कन्फर्म है कि मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में है, मतलब मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक बियरिश है, मार्केट नीचे जाने की पूरी तैयारी में है और मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका है। तो ये चीज़ें हमें कन्फर्मेशन मिल गया। ठीक है, तो पहली कन्फर्मेशन हमें मिल गया डेली टाइम फ्रेम से कि मार्केट बियरिश है। अब हम चले जाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, जहाँ से हम डेली इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे। अब इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा छोट कर लेंगे। देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्केट का एक टॉप है, ये टॉप है जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट किया। अब ये हम कैसे लाइन ड्रॉइंग करते हैं उससे पहले थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, ये लाइन हम ड्रॉइंग कैसे करना स्टार्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं यहाँ से, पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, हम इसको इस हिसाब से डाउन ट्रेंड में मानना है, ये समझना, इसको हम छोटा सा चार्ट कर दिए। ओके, अब यहाँ पे समझना, आपको समझने वाली बात है कि मार्केट यहाँ से गया, देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, एक हाई बनाया, समझना, एक हाई बनाया, हाई बनाया, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, यहाँ तक आ गया, देखिए मार्केट नीचे आया, मार्केट पुनः
यहाँ पे देखिए गैप अप, यानी कि थोड़ा सा गैप अप के आसपास यहाँ पे फिर से मार्केट गया। इस हाई से देखिएगा ये लो, ये हाई देखिए उससे नीचे है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, पुनः गया ना देखिए इससे नीचे, यानी कि इस हाई से ये हाई नीचे, पहले हाई इससे नीचे ये बनाया, इससे नीचे ये बनाया, मार्केट देखना पुनः मार्केट जब यहाँ पे गया फिर नीचे आया, फिर कनेक्ट किया, दोबारा गया तो देखना ये नीचे, फिर नीचे आया, फिर देखिए नीचे सस्टेन कर रहा है। तो इससे हमें पास एक कन्फर्मेशन तो मिल रही है कि मार्केट की ट्रेंड डाउन है, मार्केट बार बार डाउन ट्रेंड में ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे तो एक यहाँ से ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं, समझना। देखिए अब यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये क्या ट्रेंड लाइन है, ये कौन सा ट्रेंड लाइन है, हमने ये कहाँ से लाया ट्रेंड लाइन, है ना। अभी हमने आपको सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा रहे हैं कि ऐसे नहीं है कहीं हम दूसरे जगह से लेकर के आ रहे हैं। देखो ये ट्रेंड लाइन अभी हमने ड्रॉ किया, और ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ऊपर का एक अगर मिल गया और नीचे दूसरा मिल गया तो आप इससे दोनों को मिला करके ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तीसरा ऑटोमेटिक मार्केट वहीं पे जाएगा, चौथा ऑटोमेटिक मार्केट वहीं पे जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा कि ये लगातार इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट फॉलो कर रहा है, एंड देखिएगा क्या हो रहा है कि जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे गया सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट नीचे गया, पुनः मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, फिर मार्केट नीचे गया, पुनः मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, फिर से मार्केट नीचे गया, पुनः मार्केट गया, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमने कन्फर्मेशन ले लिया कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, और इसी ट्रेंड पे मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता तो सेलिंग स्टार्ट हो जाती। अब ये बियरिश ट्रेंड, मतलब बियरिश मार्केट कब होगा, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो फिर ये कन्फर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश होते हुए जाएगा या साइडवेज होगा, वो जो होगा आगे हम लोग देखेंगे। बट अभी की बात किया जाए तो मार्केट एक बियरिश है, ठीक है। बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आता है मार्केट, बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आता है मार्केट, और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, आपको क्या करना है, समझना, आपको क्या करना है, देखिएगा आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पहले तो हमारा ट्रेंड लाइन क्लियर हो गया, अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए फिर अब इस ट्रेंड लाइन को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ से, अब मेरे लिए वो काम करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, और मार्केट को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही हमें ट्रेड करना है। अब देखिएगा यहाँ पे आज की बात बता रहे हैं, आज के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कन्फर्म देखिएगा मार्केट बार बार सपोर्ट लेते हुए आपने को देखने को मिल रही है, वो ये जो है ये लेवल पे बार बार मार्केट सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये लेवल है मार्केट का सपोर्ट का आज का, ठीक है। अब ये यहीं पे नहीं होगा, ये यहाँ पे आइएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा ये लाइन आया कहाँ से, देखिए ये लाइन कहाँ से आया, से पहले पहले समझना, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट इससे पहले क्या किया था, देखिएगा थोड़ा सा गैप ओपन हुआ था, लेकिन वापस रिटर्न ये रिकवरी, यानी कि वापस ये गिर गया था, और ये देखिएगा मार्केट बार बार इसी को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, दिख रहा है। और जब मार्केट इसी को ब्रेक किया तो फिर से मार्केट ऊपर गया था, पुनः मार्केट नीचे आया, तो यहीं पे मार्केट काफ़ी बार मार्केट मोमेंटम किया, ठीक है। तो कई बार आपको यहाँ पे मार्केट फंसते हुए देखने को मिला है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पर भी थोड़ा सा फंसा है, और जैसे इसको ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से वन वे शूट किया, ये चीज़ यहाँ पर कन्फर्म देखने को मिल रहा है। लेकिन मेन फंडा यहाँ पे ये है कि जब मार्केट ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया, फिर जब यहाँ से नीचे आया ना, तो देखना यही लेवल मार्केट का फिर से काम किया है सपोर्ट का, देखना यही लेवल सपोर्ट का काम किया है। और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट का रेंज का है, ये समझना आपको देखने को मिल जाएगा, ये मार्केट का रेंज है, मतलब मार्केट इसी के बीच में देखिए कितनी बार ट्रेड किया है, यहीं पर नहीं, ये कई सारे जगह यहाँ से लेकर के इसके आसपास ये मार्केट का एक रेंज है। तो हम लोग रेंज, इसको रेंज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगर चाहे तो इसे रेंज भी बना सकते हैं, अगर चाहे तो इसे रेजिस्टेंस के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसे यूज करना चाहे। चलो हम एक रेंज बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए रेंज कैसे बनाएंगे, यहीं से रेंज है, इसको हम यहाँ पर टच करेंगे और ये मार्केट का रेंज हो गया, ओके। चलो अपने पास ये मार्केट का रेंज देखने को मिल रहा है, तो ये जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तब तक मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हम लोगों को देखने को मिल सकता है।
तो मार्केट का ये रेंज कौन सा है, थोड़ा सा रेंज को हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। अब ये देखना, समझना, ये रेंज काफ़ी आगे से आया हुआ है, आप इसको जहाँ तक ले जाना चाहें बहुत अच्छे से आप ले जा सकते हैं। देखिएगा इससे पहले भी यहीं पे मार्केट ने रेंज को कंटिन्यू किया हुआ, इससे पीछे भी और जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहीं से मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया हुआ। अब यहाँ पे देखना, आपके पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि मार्केट अगर कल, कल की बात बता रहे हैं, अगर मार्केट क्या करता है और इसको ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट डेफिनेटली मार्केट नीचे आएगा, लेकिन आएगा कहाँ तक समझना, ये 48,150 के आसपास आपको आते हुए देखने को मिलेगा। ये बीच का पॉइंट जो है लगभग 50 से 60 पॉइंट 70 पॉइंट के आसपास है, यही पॉइंट आपको कैप्चर करने का मौका मिला। अगर डायरेक्ट मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देता है, ये जो 48,090 का जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ये रेंज है मार्केट का, एंड इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर समझना कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 48,000 का, इसे ध्यान जरूर रखिएगा। तो 48,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये लेवल आपको ध्यान रखना है, ये लेवल, ठीक है। तो 48,000 पे काफ़ी मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड में फिर से पुनः शूट करते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हम लोग डाउन ट्रेंड में ही हमेशा सोचेंगे, अप ट्रेंड में नहीं सोचेंगे। अब अप ट्रेंड में हम कब सोचेंगे और डाउन ट्रेंड में हम कैसे ट्रेड लेंगे, अभी हमने सारा चीज़ एनालाइज कर लिया कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, अब डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में हमें मौका मिले तो फुल क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट हमें इंट्राडे में अप ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रहा है और हमें मौका दे रहा है कॉल साइड बाइंग करने के लिए, तो हम अपने क्वांटिटी को मैनेज कर लेंगे। एग्जांपल फॉर, अगर मान लीजिए हम 10 लॉट से डेली काम करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करेंगे। कब, जब मार्केट कॉल साइड में एंट्री देगा तब 1 या 2 लॉट से एंट्री करेंगे। लेकिन अगर मार्केट पुट साइड में एंट्री कर देगा तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी 10 क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे प्रॉफिट होने का जो चांस है वो 10 लॉट पे होगा, ठीक है, रिस्क हमारा बहुत कम, ना के बराबर रहेगा। लेकिन अगर जब यही कॉल साइड में जा रहा होगा और हम वहाँ पे मात्र 1 से 2 लॉट से ही ट्रेड करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो रिस्क है वो रिस्क बेस्ट रहेगा, यानी कि हमारा कुछ क्लोज, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अगर मेरा स्टॉप लॉस भी चला जाता तो 1-2 लॉट पे कितना स्टॉप लॉस जाएगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत कम। लेकिन जब प्रॉफिट करेंगे तो पूरी क्वांटिटी के साथ 10 लॉट 20 लॉट 25 लॉट जितना भी आप लॉट से काम करते हैं, तो प्रॉफिट की बारी में आपका फुल क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन जब लॉस का बारी आए तो क्वांटिटी को मैनेज करके ही आपको काम करना है। अब लॉस और प्रॉफिट कैसे होगा हमने आपको बता दिया, मार्केट का ट्रेंड हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है और अगर हमें अप ट्रेंड में मौका दे रहा है मार्केट, तो सिंपल समझना कि आपको वहाँ पर लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन डाउन ट्रेंड में मौका दे रहा है तो बिना सोचे समझे ट्रेड कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगर कोई बोले फुल क्वांटिटी के साथ तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई ऐसा सा कैंडल बना है, इस लो को ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे कोशिश करना होगा कि निकलना होगा। हाँ, लेकिन मार्केट अगर डायरेक्ट वन वे अगर गिरते हुए चला आया तो डायरेक्ट अगर ये 48,000 के आसपास तक आ सकता है, अगर डायरेक्ट वन वे गिरा तो 48,000 के आसपास तक आ सकता है। अब आगे का ये सपोर्ट और कौन सा हो सकता है, आप ये देखिए, अगर रेंज ब्रेक होता है तब की बात देखते हैं हम लोग। तो रेंज ब्रेक होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मार्केट का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, इसके आसपास जो है सो मार्केट का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये आपको तकरीबन यही है 47,900 के आसपास, 932-900 के आसपास ये आपको सपोर्ट, 932 से लेकर के 900 का लेवल आपको सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के आसपास है 886 तक ये सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल सकता है मार्केट। लेकिन जैसे इस लेवल को ब्रेक होता है तो फिर मार्केट आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉल करते हुए आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ज़्यादा कोई यहाँ पर सपोर्ट देखने को नहीं है, एक बार सीधा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 47,744 के आसपास, और 744 भी अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट फिर से बहुत अच्छा आपको डाउन साइड में फिर से जाते हुए देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है ये 47,500 के आसपास तक जाए, ठीक है। तो मेन फंडा ये है कि आपको ट्रेंड के डायरेक्शन को देखना है। देखिएगा यहाँ पे एनालाइज अगर हम लोग कर लेते तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए मार्केट यहाँ पे क्या किया था, इस यहाँ से लेकर के इसके आसपास, इस बीच में देखिएगा मार्केट साइडवेज था, ठीक है, साइडवेज था।
तो कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे। वही क्या यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे क्या किया था, यहाँ से लेकर के ये जो है 49,026 से लेकर के ये तकरीबन देख लिया जाए तो 48,787 तक ये मार्केट साइडवेज था, इस पूरी की पूरी बीच में मार्केट साइडवेज था और इसमें बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉइंग कर लेना है, एक अपसाइड में एक डाउन साइड में। मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल नहीं लेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है पुट नहीं ले लेंगे। जब तक कि हमारा लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम नहीं लेंगे। और देखो जैसे लेवल ब्रेक हुआ फिर देखना कितना फास्ट मूव देखने को आपको मिल रहा है, कितना फास्ट और कितना तेज़ मूव हुआ है ना। तो ये चीज़ है, किसी दिन बड़ा मूव होगा किसी दिन छोटा मूव होगा। अगर आप यहाँ पर एंट्री भी कर लेते ना 48,786 पे तो आपको पहला टारगेट ये देखने को मिलता 48,662 के आसपास, ठीक है। ये जो कि आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 48,700 से लेकर के 662 के आसपास आपको पहला टारगेट देखने को मिल जाता। एंड इसके बाद अगर मार्केट नीचे आया है तो आप यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो इसके आसपास रेजिस्टेंस है 48,600 के आसपास, और 600 जैसे ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पे कंफर्म आपको देखने को मिल जाएगा जो नीचे रेजिस्टेंस, इसी के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट यहाँ पे कई बार यहाँ पे मार्केट सस्पेंशन किया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पुलबैक देखने को मिला था। एंड उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज अभी तक ये साइडवेज चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, अगर कॉल साइड में मार्केट जाएगा कब, जब ये 48,467 के लेवल को ब्रेक करेगा तब। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक कॉल साइड में शूट नहीं करेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कॉल साइड में मार्केट शूट करेगा तो कहाँ तक जाएगा भाई, तो ये लगभग मार्केट इसके आसपास तक, यानी कि ये कौन सा लेवल है हम लोग देख लेते हैं। तो ये मार्केट कंटिन्यू लगभग आपको 48,671 के आसपास से लेकर के 671 से लेकर के वही 700 के लेवल तक